साकिरा खलीली घर में ही दफन थी, लेकिन दुनिया को उसकी कोई भनक नहीं थी। यहां तक कि बेटियां भी अपनी मां के हश्र से अनजान थी। ये राज शायद हमेशा राज ही बना रहता, पर नौकर ने जब अपना मुंह खोला तो फिर वो कहानी सामने आई जो पहले कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। रास्ता शाकरे नमाजी को जिंदा दफनाने का। पुलिस के मुताबिक स्वामी ने अपने इकबालिया बयान में बताया कि 28 अप्रैल 1991 की रात उसने शाकरे को अपने ही घर में जिंदा दफना दिया था। कत्ल की वजह थी स्वामी की बढ़ती अय्याशी, जिसकी वजह से शाकरे और स्वामी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। शाकरे के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आदी हो चुके स्वामी को डर था कि शाकरे उसे अपनी बे इंतहा दौलत से बेदखल कर सकती है। बस इसी बात पर उसने शाकरे से निजात पाने की एक गहरी साजिश रची। साजिश के तहत स्वामी ने सबसे पहले घर के आंगन में पानी की टंकी बनाने के बहाने एक 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, फिर बाजार से लकड़ी का एक एंटिक ताबूत खरीदा। 28 अप्रैल 1991 की शाम स्वामी ने शाकरे की चाय में नींद की गोलियां मिला दी, फिर बेहोश शाकरे को ताबूत में बंद कर उस ताबूत को 7 फीट गहरे गड्ढे में हमेशा के लिए दफन कर दिया।